हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सॉफ्टवेयर डेवलपर्स चैनल। तो आज हम प्रोजेक्ट डिस्कस करेंगे, दैट इज पोथोल डिटेक्शन प्रोजेक्ट। ओके, तो ये जो प्रोजेक्ट है ये आपका बहुत ही अच्छे लेवल पे आप यूज कर सकते हैं, बट ये है कि अभी ये छोटा सा पोर्शन है। इसमें आप और भी डिफरेंट डिफरेंट एल्गोरिदम यूज कर सकते हैं, आप और भी अच्छे आउटपुट्स पा सकते हैं। इसमें बेसिकली मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर देती हूँ और मैं बता देती हूँ, अगर आप कोई भी एरर अगर आप फेस करते हैं, आप जो भी इस पे वर्क कर रहे हैं आपको एरर फेस करेंगे ही करेंगे। ये कोड तो मैंने इसको परफेक्ट कर दिया है तो इसमें कोई एरर आपको नहीं आएगी, बट आपको एरर आती होगी एक्सपेक्टेड 3 बट गॉट 2। इससे रिलेटेड कोई भी वीडियोस नहीं है, इससे रिलेटेड कहीं भी आपको सॉल्यूशन परफेक्ट मिलेगा ही नहीं। कोई कहेगा कि टेंशन फ्लो वर्जन चेंज करिए, तो अगर आप चेंज करेंगे तो उसमें अगर आपने परफेक्टली उसको डिलीट नहीं किया किया है तो फिर उसमें आपको और भी ज़्यादा आगे प्रॉब्लम्स आएंगी। तो टेंसर फ्लो वर्जन को चेंज करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको एरर मिलती है एक्सपेक्टेड 3, एक्सपेक्टेड 2, या फिर अगर एक्सपेक्टेड 4, कितने भी वेरिएबल्स, अगर वो एक्सपेक्ट कर रहे थे 2 आने चाहिए बट आपने 3 लिए हुए, तो कैसे सॉल्व कर सकते, तो आप प्रीवियस वीडियो में देख सकते हैं उसको। ठीक है, ओके। तो इस प्रोजेक्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। ये जो प्रोजेक्ट है पोथोल डिटेक्शन प्रोजेक्ट, तो व्हाट इज पोथोल? पोथोल मतलब अगर आप सड़क पे जाते हैं, आप सड़क पे आपको गड्ढे मिलते होंगे। ओके, आपने गड्ढे देखे होंगे। तो बेसिकली इसमें क्या है, हमने पोथोल्स की इमेजेस ली हुई है, जो सड़क पे जो गड्ढे होते हैं मैंने उसकी इमेजेस ली हुई है। तो उसमें हम क्या करेंगे कि जो भी पोथोल्स हैं, जो भी गड्ढा है सड़क पे, उसी को ओनली ग्रीन, उसी के आसपास जो है गड्ढे के चारों ओर, गड्ढे के आसपास ग्रीन ग्रीन कलर हो जाए डार्क एकदम, जिससे कि हमको पता चल सके कि ये पोथोल है, ये गड्ढा है। यानी गड्ढे के आसपास जो है ग्रीन कलर हो जाए या फिर बाउंड्री ऐसी आ जाए कि जिससे हमको पता चल जाए यार वो पोथोल्स है। ओके, तो इससे रिलेटेड अभी छोटा ही कोड मैं आपको शो कर रही हूँ। अगर आपको चाहिए कि आप बाउंड्री बॉक्स होता है, बाउंड्री बॉक्स के अंदर हम उसको डिटेक्ट करते हैं एंड उसके ऊपर लिखते हैं पोथोल्स एंड उसकी एक्यूरेसी स्कोर भी उसका मेंशन करते हैं बॉक्स के अंदर ही। ओके, बाउंड्री बॉक्स बोलते हैं उसे, बाउंडिंग बॉक्स के अंदर। तो अगर आप उस टाइप का प्रोजेक्ट चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट में मेंशन कर सकते हैं, और अगर आप इस प्रोजेक्ट का जो कोड है वो चाहते हैं तो आप कमेंट में मुझे मेंशन कर सकते हैं। बिकॉज ऑफ कॉपीराइट मैं अपने जो कोड्स हैं वो लिंक नहीं करती हूँ डिस्क्रिप्शन में, सो आप कमेंट में मेंशन कर सकते हैं। बाकी आप यहाँ से अगर देखेंगे तो मैं आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी, तो आप ये देख देख के भी अपना वर्क कर सकते हैं। ओके, ज़्यादा बड़ा कोड नहीं है, बट ये है कि अगर आप इसी पे पोथोल को बहुत अच्छे से ब्रॉडली देखना चाहते हैं, डिटेक्शन हो, अच्छे से डिटेक्शन हो, तो आप मुझे मेंशन कर सकते हैं। मैं इस पे, मेरे पास और भी कोड्स हैं बहुत ही बेस्ट, तो आप मैं उसको आपको शो कर दूंगी। ओके, मैं इस पे वीडियो बना दूंगी। तो ये हम स्टार्ट करते हैं। तो इस पे सबसे पहले क्या है, हमने इम्पोर्ट किया है CV2 को। CV2 मतलब CV2 कैसे यूज कर सकते हैं हम, CV2 यूज कर सकते हैं ओपन CV पाइथन को। ठीक है, ये लाइब्रेरी आपको इंस्टॉल करनी होगी। नेक्स्ट इज नमपाई। नमपाई हम यूज कर रहे हैं न्यूमेरिकल वैल्यूज जो भी हैं, पाई गेम, टाइम, SMT, PLIB, मैटप्लॉटलिब। ओके, ये लाइब्रेरीज हैं। तो हमने फंक्शन डिफाइन किया प्लॉट शो। ओके, हमने कंडीशन यहाँ पे लिख दी हैं, हम शो करेंगे प्लॉट को। ओके, रिसाइज करेंगे, सेकेंड हमने डिफाइन किया रिसाइज को। अब यहाँ पे ये जो है, यहाँ पे आपको एरर मिल सकती है, आप अगर आप कहीं और देख रहे हैं कि एक्सपेक्टेड 3 बट गॉट 2, तो ये कैसे रिजॉल्व करेंगे आप प्रीवियस वीडियो में ये देख सकते हैं। ओके, तो मैं इसको ज़्यादा डीपली एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ, अगर आप चाहते हैं डीपली एक्सप्लेनेशन तो आप कमेंट में मैंशन कर सकते हैं, बाकी आप कोड देख सकते हैं इसका। ओके, ज़्यादा बड़ा कोड नहीं है, बट ये है कि आपको नॉर्मल डिटेक्शन आपको पता चल जाएगा। बाउंडिंग बॉक्स डिटेक्शन नहीं है बट एज इज वाइज डिटेक्शन। ओके, तो इसमें आपने देख लिया। ठीक है, ये सबसे पहले ओरिजिनल इमेज है, अगर आप ये देख रहे हो आपको क्लियर हो रहा है ये, थोड़ा मैं साइज बढ़ा देती हूँ। ओके, तो ये जो है सबसे पहली इमेज, ये रियल इमेज है। ओके, पोथोल की ये रियल इमेज है, इसमें कुछ भी हमने फिल्टर यूज नहीं किया, इसको ग्रे नहीं किया, कुछ भी नहीं किया। ओके, सेकंड जो इमेज है ये आपकी ग्रे इमेज है। ओके,
ये जो है डार्क होती जा रही है, स्लो होती जा रही है, स्लो होती जा रही है। अब ये जो इमेज आई है, ये ड्रॉ कॉन्टोर पोथोल इमेज, मीन्स पोथोल के आसपास हम कॉन्टोर डिटेक्ट कर रहे हैं, कॉन्टोर ड्रॉ कर रहे हैं। ओके, तो इससे हमको पता चल रहा है कि ये गर्ती है पोथोल। अगर आप देख रहे होंगे इसको, तो इसके किनारों पे एकदम ग्रीन कलर बहुत ही प्यारा, अच्छे से देखिए, अच्छे से एकदम ग्रीन कलर एकदम इसके पोथोल के किनारों पे शो हो रखा है, ताकि हमको पता चले कि ये पोथोल है, ये गड्ढा है यहाँ पे। ठीक है, तो इसको डिटेक्ट किया हुआ है अच्छे से। ओके, सो नेक्स्ट जो है आपका, इसमें पोथोल्स है ये इमेजेस। ओके, लाइक इसमें अब हमने डिटेक्ट कर दिया इसको। ओके, मोथ डिटेक्टेड पोथोल इमेज, लाइक जो भी पोथोल्स है उसके चारों ओर एक बाउंड्री बॉक्स बना दिया हमने, एक ग्रीन कलर का बॉक्स बना दिया बाउंड्री बॉक्स, कि हमको पता चल जाए यार पोथोल्स है। अब इसमें हम एक लेवल और बढ़ा सकते हैं, हम बाउंड्री बॉक्स के ऊपर यहाँ पे लाइक ये इमेज और बिग हो जाएगी, इसके किनारों पर ही हम ये शो कर सकते हैं कि यहाँ पे हम पहले तो ये लिख दें कि ये पोथोल है, और फिर यहाँ पे उसके साथ स्कोर भी शो कर दें, ठीक है, कि कितनी एफिशिएंसी है, कितना आउटपुट आ रहा है इसका, तो हम वो शो कर सकते हैं। ये ब्लरी इमेज हो जाएगी इसकी, दैट इज फॉल्स। ओके, तो इस पे करते करते लाइक ये ब्लर इमेज, गॉसियन ब्लर इमेज, मीडियन ब्लर, डायलेटेड इमेज, एज इमेज, ओके, इरोजन, डोजिंग ब्लड, ये कॉम्बिनेशन है सबका। ओके, होप गाइज आपको ये वीडियो हेल्पफुल होगी। आप अगर आप डिटेक्शन पे वर्क कर रहे हैं, लाइक आप कैसे डिटेक्ट कर सकते हैं पोथोल्स को, ठीक है, मतलब कि आप अगर नॉर्मल ये प्रोजेक्ट है, आप कोई और इमेजेस भी ले सकते हैं, उसको भी डिटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, आप सब्सक्राइब कर सकते हैं चैनल को। अगर आप डिफरेंट प्रोजेक्ट से आते हैं, मैं रेडीमेड प्रोजेक्ट्स लेकर आती हूँ, आई थिंक लाइक जो भी आपके जो भी नॉर्मल लाइक फंक्शन आप कैसे डिफाइन कर सकते हैं, इस पर मेनली बहुत ही वीडियोस बनी हुई है, बाकी सबने सब बनाई हुई है, बट रेड जो प्रोजेक्ट्स होते हैं, अगर हम प्रोजेक्ट्स पे वर्क करें तो ऐसे कोई प्रोजेक्ट्स नहीं मिलते हैं। तो मैं कोशिश करती हूँ कि प्रोजेक्ट्स ही लेकर आऊँ, ताकि उससे आप आइडिया लें, और अगर कुछ भी प्रॉब्लम आ रही तो आप कमेंट में पूछें, मैं दोबारा से डीपली वीडियो बना दूँ।